आपके गांव में एक ऐसी विध्वंस कुरीति के ऊपर नाटक का मंचन करने जा रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरह जड़ जमा चुकी है, और उस कुरीति से हमारा हरियाणा भी अछूता नाश है। और वह कुरीति से कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि ब्याह शादी में सात फेरों के साथ सात वचन तो लेते हैं परंतु एक वचन हम भूल जाते हैं, हमारे पूजनीय पंडित काम सिंह की देन, यू आठवां वचन किस तरह इस बुराई ने जड़ तो उखाड़ फेंकेगा, आओ देखे से यू आठवां वचन। बहू बहू के बात से डॉक्टर ने बुलाऊं? ना, ये डॉक्टर का रोग नाश है। फिर कैसा? जियो बहू, जुग जुग जियो। अरे ओ प्रताप, बाज क्या? ये बात सुमा, तू एक काम कर, 10 किलो लाडू लेके आ और सारे कुंबे की लुगाइया ने बुला लिया। माँ यहाँ उल्टी करने ला रही, तू लाडू मंगा रही? अरे बावले, तू बाप बनने वाला से। ओ माँ, बदमाश कहीं के। चल बेटा, चल भीतर तू आराम कर ले। चल रामकली की बहू के पेट में जेठा बालक से, आज तो उसे जी भर करना चाहिए। चाची, यो काम भी तू ही कर सका है। अरे तू एक बार जिकर छेड़ दिए, बस बाकी मैं जानू। ठीक है चाची, मैं जिकर छेड़ दूंगी। ले बहू, सब में बांट दे। आजा भाना, आजा मिलगी फुर्सत करना। वो केस है रामकली भाण। बस बस बस, बहाने मत मनाया करो। बहू देख, तेरी ताई आई से। दूध दो ना हो पुतो फड़ो। वाह रामकली वाह, मान गी तने, तू तो दुनिया की सबसे बढ़िया सास है। वो क्यों कर? वो यू कहूँ कि दुनिया तो छोरा पैदा होने के बाद लड्डू बांटे से, और तू तो छोरी पैदा होने से पहले ही लड्डू बांट रही से। यू के कह रही तू भाण? मन्ने तो जो पेट में दिखा वही कह रही तू। शुभ शुभ बोल, आज तक तो मेरा अंदाजा गलत ना लिखड़ा, बाकी तू चेक करा के देख ले। बंद कर रेड होल्ड अपने, और ले ये लड्डू मना दे। पर माजी खड़ी खड़ी के कर रही सो, जाओ बड़े घर में। आई है ताई तो बड़ी खराब लिकड़ी। ना या ताई बोलती ना रामकली नाराज होती। चाचे 2 मिनट बाद ही बोल लेती, दो दो लड्डू तो खा लेते। चुप, लड्डू ना देखे के कदे, चलो चुपचाप घर में। इतनी यही संभालती, ले लड्डू इधर ले जाकर भस्ता में गिर दिए। प्रताप, ये वीरबानी तो मुंह लटका के चली गई, और वह ढोलक सी बंद होगी, देखिए खड़े हुई है। के बात से माँ? नास हो गया। वो क्यों कर? चुप क्यों से, बोल तो सही माँ। मेरे पेट में छोरा नहीं छोरी से। यूं किसने कहा? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह कोई भगवान थोड़ी से। पर उसने आज तक जिसे जो बात बताई वह सच निकली। या तो गड़बड़ हो जाएगी माँ। गड़बड़ तो मैं ना हूँ, जो तेरी बहू मेरी बात मान के चल ले। ओ क्यों कर माँ? बहू ये लड्डू ले जा, बल्ली ते दे, भैंसा ने घेर देगा।
पर माँ जी हम तो जो बाट माल है जो कहा वो कर। ई मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, तू काल बहू ना शहर लेके जा और किसी बढ़िया से अस्पताल में चेक करवा के लिया। और जो छोरी हुई तो? मने छोरी नहीं चाहिए, चाहे कितने पैसे लग जाओ। समझ गया माँ, ऊसा ही होगा जैसा तू चाहेगी। बल्ली है? इतने लड्डू मेरी खातर? नहीं नहीं, मैं तो बस दो चार खा सकूं। ले इन्हें पैसा तो गिर दिया। या तेरी मर्जी से, तेरे ते जितना कहा जाए उतना कर। इत तो लड्डू बटे ही बटे और शुरुआत तेरे ते ही होगी। ना बल्ली, मैं लड्डू ना खाऊं। इसका मतलब